Hello students, today we will discuss NTA Abhyas NEET Test 109 Physics Part. This test has 28 easy questions, 14 medium difficulty level questions and 3 questions are difficult and 140 plus would be a good score. Let's start. If the radius of first orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom, then the de Broglie wavelength of the electron in the ground state of hydrogen atom is. So we know de Broglie wavelength is h by p, right? And p ko we can write L is mvr, L is also equal to nh upon 2 pi. So this is nothing but mv is nothing but momentum. So momentum ko we can write L by r, to ye ho gaya L by r, and L ko likh diya nh upon 2 pi. So h r nh upon 2 pi. Abhi hs cancel kyunki hum ground state ki baat kar rahe hain yahan pe. फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 पाई r. r आपको ऑलरेडी पता है 0.53 angstrom मल्टीप्लाइड बाय 0.53, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 3 टू 6, तो ये 3.33 समथिंग आएगा, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर. काइनेटिक एनर्जी एट विच न्यूट्रॉन वुड हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ. काइनेटिक एनर्जी बतानी है जहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एच बाय पी एंड पी इज अंडर रूट ऑफ 2 km. इस फॉर्मूला को k के लिए रीअरेंज करा तो हो गया एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 m. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एच स्क्वायर विच इज 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10^-68 divided by lambda square, so it is 5.89 room, approximately 5.9 into 5.9 into 10^-7, ये minus 7, minus 7, minus 7, minus 14 into 2 into m, which is 1.6 into 10^-7 minus 27 kgs. 3.21 और ये 3.3, तो वापस से ये 3.3 और ये 0.8. ये 6636 और 36 इंटू 8 तो 8 8 6 48 8 3 24 28.8 समथिंग आ जाएगा. ये 3 के बाद 0 है, सॉरी 1 डिजिट के बाद 0 है, तो 28.8 एंड 33 इंटू 33 33 9 9 9 9, तो हो जाएगा 10 9 8 10.89 ऊपर और अप्रॉक्सीमेटली 28.8 नीचे. और अगर हम पावर देखें तो पावर हो जाएगी, दिस इज 27 एंड 14, तो 27 एंड 14 हो जाएगा 41 और ये 68, तो ये 7 6 माइनस 4 27, 10^-27 ये हो रहा है, बन रहा है हमारा. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 28 और 10 108 एंड 28 4 टाइम्स देखते हैं, फिर 3 टाइम्स देखेंगे, 8 4 32 4 8 9 10 11, तो 4 के आ तो रहा है बट छोट 28 3 24 0 6 7 8, तो ये 4 के क्लोज आ रहा है ना, और पॉइंट में आएगा, तो इन दोनों में से ही आंसर आएगा. बट 4 के क्लोज है, 3.81 4 के क्लोज है, तो हम ए को मार्क कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉम ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स. वन पार्ट ऑफ मास 3 kg मूव्स विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर पार्ट इज. ठीक है, तो इनिशियली रेस्ट पे था तो मोमेंटम 0 था. फाइनली जो 3 है वो 16 से मूव कर रहा है और जो बचा हुआ 6 है वो v से मूव कर रहा है. तो आप v के लिए सॉल्व कर सकते हो 3 × 16/6 विच इज 8 m/s. अभी काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो हाफ इंटू एम विच इज 6 इंटू वी स्क्वायर विच इज 8 × 8, तो 2 1 और ये 4, 32 × 6 = 12 एंड दिस इज 392. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर सर्कल इज. तो हमारा जो मास है वो यहाँ पर है, इस आर्क पर है, और आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा. तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है. हम क्या करेंगे, हम यहाँ से थीटा पे जाएंगे और डी थीटा का एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे.
टेस्ट में आए तो ये हमें लास्ट में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। डी थीटा का एलिमेंट हमने कंसिडर करा, और ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमने एक बार ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ हो। टेस्ट में सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स मार्क करें तो ये हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। अभी हम अगर ऑप्शंस देखें तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सबके सेम है, तो हम कोई भी एक निकाल लेते हैं। सपोज मैं एक्स सी एम के लिए सॉल्व करती हूँ, तो एक्स सी एम इज सिग्मा एम आई इंटू एक्स आई। तो एम आई इस छोटे से पार्ट का मास, तो अगर पूरे का मास कैपिटल एम है, जो पाई बाई टू आर्क है, पाई बाई टू एंगल पे कैपिटल एम आ रहा है, तो डी थीटा में कितना आएगा? एम अपॉन पाई बाई टू इंटू डी थीटा। तो यहाँ हमने ये डी एम लिख दिया, हम ये लिखना चाह रहे हैं अपॉन डी एम फोर इंटीग्रेशन। तो डी एम हमने लिखा एम अपॉन पाई बाई टू इंटू डी थीटा, एंड एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है आर कॉस थीटा। इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डी एम का इंटीग्रेशन इज टोटल मास, तो टोटल मास इज कैपिटल एम, तो टू एम बाई पाई आर, ये तो कॉमन आ गया। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, हम थीटा को वेरी करा रहे हैं जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक, और डिवाइड बाय एम, तो एम और एम तो कैंसिल हो गया, टू आर बाय पाई, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट्स हम लगाएंगे जीरो टू पाई बाय टू, तो ये वन ही हो जाएगा, तो टू आर बाय पाई, माने ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर लूप्स द लूप, इफ द मैक्सिमम फोर्स प्रेसिंग द पायलट अगेंस्ट द सीट इज 5 times इट्स वेट देन द लूप रेडियस। तो मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो बॉटम ऑफ द सर्कल पर होगा, यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे एम जी ऊपर, हमें लिखना है नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एम जी स्क्वायर बाय आर, और एन का वैल्यू गिवन इट इज 5 times एम जी, तो 5 mg माइनस एम जी इज 4 mg इक्वल्स एम बी स्क्वायर बाय आर, दैट मीन्स आर इज वी स्क्वायर बाय 4g। अभी वी स्क्वायर 900 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट करें, तो 18 1 18 5 इट इज 250, 250 into 250 डिवाइडेड बाय 4 into 10, तो ये 6250 by 4, 4 1 3 sorry 4 1 20 बचेगा, 5 times 6 24 3 2 8.5। तो बेस्ट मार्क जो है वो ए है, जी की वैल्यू हो सकता है 9.8 लें, तो इसके ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेनोइड 30 cm लॉन्ग इज मेड बाय वाइंडिंग 2000 लूप्स ऑफ वायर on an iron rod whose cross section is 1.5 cm square. Relative permeability of iron is 600, then self inductance is. So L is N phi upon I. N to as it is phi flux. The flux is magnetic field into area. So magnetic field ho jayega mu naught Ni, N number of turns per unit length hote hain. So number of turns per unit length multiplied by current into area. Aur ye wala jo I hai woh डिवाइड हो गया, तो एल इज एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाय एल, हमें याद है तो भी अच्छा है, और नहीं है तो हम इस फॉर्मूला से हमेशा डिराइव कर सकते हैं। एन इज 2000 स्क्वायर, म्यू नॉट इज 4π × 10⁻⁷ एंड एरिया इज 1.5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय एल विच इज 0.3 meters, तो ये हो जाएगा 224 एंड दिस इज 1.5, तो 1.5 इससे हम कैंसिल करते हैं, दिस इज 1 times, दिस इज 0.2 times, और ये 0.1 और ये भी 2, तो 4 × 2π और ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर 10⁶ फिर ये एक और 10, तो 10⁻⁷, ये 10⁻⁷ और 10⁻⁴, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया हमारा 4 × 8 8π,
into 10 raised to the power minus 4. तो यहाँ पर एक और ये भी था, इसका आयरन रॉड था, तो हमें म्यू नॉट म्यू आर यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज 600, इसमें भी 600 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 6 48 48 पाई, एंड दिस इज 10 टू द पावर माइनस 2, राइट? तो 48 इंटू 3 48 इंटू 3 8 3 24 3 4 12 13 14 144, तो 1.44 समथिंग आ रहा है। इसको 3.14 लेते तो और अच्छा आंसर आता, तो ये एक ही क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक रेजिस्टर्स आर शोन इन फिगर, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो हमेशा जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो छोटा होगा, और यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप इज वी बाय आई, विच इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। हमें पैरेलल के लिए चाहिए माना स्लोप कम चाहिए, तो ए का स्लोप कम है माने इसका रेजिस्टेंस भी कम है और ये पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टर ऑफ 6 kΩ विद टॉलरेंस 10%, अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 kΩ विद टॉलरेंस 10% कनेक्टेड इन सीरीज, द टॉलरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो आर वन इज 6 प्लस 10% ऑफ 6 इज 0.6 kΩ, सॉरी आर टू इज सिमिलरली 4 प्लस माइनस 10% ऑफ 4 विच इज 0.4 kΩ। अभी आर सीरीज इज आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 10 हो गया, प्लस माइनस एरर्स हमेशा ही ऐड होंगे, तो ये भी ऐड हो गए तो ये हो गया 1.0 ओके किलो ओम। तो यहाँ पर भी जो टॉलरेंस आ रहा है वो 10% का ही आ रहा है, 1/10 × 100 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 3 μF, इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस बिकम्स 15 μF। तो 3 से 15 हो गया, दैट मीन्स जो हमारा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो 5 है, तो हमें क्या बताना है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ना। और यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो हमारा एप्सिलॉन के हैं, कई बार एप्सिलॉन आर को भी परमिटिविटी बोल देते हैं, बट ये परमिटिविटी ही मीन करें, दैट इज एप्सिलॉन, विच इज एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इज 5 एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 × 10⁻²⁻¹². 85 जब 40 समथिंग आंसर आना चाहिए, 0.44 40 × 10⁻²⁻ तो ये 0.44 करके आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी। तो एक्सेलरेशन इज एफ बाय एम, एफ इज ई बाय एम, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, चार्ज भी दोनों का सेम है, बट मास अलग है, तो मास के इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहा है, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर मेटल लूप ऑफ साइज 10 cm रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पार्टली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 Wb/m² डायरेक्टेड इनटू द पेपर एज शोन इन फिगर, द लूप इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 3 ओम, स्टेडी करंट 1 mA फ्लोज इन द लूप, देन द स्पीड ऑफ द लूप इज। तो यहाँ पर ये तो जस्ट निकलने ही वाला है, यहाँ पर EMF डेवलप होगा और जो EMF होगा उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, और हमें गिवन है करंट का वैल्यू 1 mA, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सारे ही 3 हैं और ये व्हीटस्टोन बन रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन बन रहा है, तो इसको इक्विवेलेंट हम 3 ओम ही बोल सकते हैं। तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारी बैटरी बनेगी BVLT, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और इन सब का मिला के जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम का, और ये करंट फ्लो कर रहा है। अभी वी नो BVL विच इज इक्वल टू I इंटू आर इक्वलेंट, तो हमें V के लिए सॉल्व करना है, V इज I R इक्वलेंट अपॉन BL। तो करंट फ्लोइंग इज 1 mA, R इक्वलेंट इज 4 ओम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विच इज 2 एंड L इज दिस लेंथ विच इज 0.1 मीटर।
वो टू हो गया, ऊपर जाएगा 10^-2, तो 2 cm/s। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्क्वायर वायर फ्रेम ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस बी अवे फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। फ्रेम हैज रेजिस्टेंस आर, सेल्फ इंडक्टेंस एल। द फ्रेम इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट ओ ओ डैश आज शोन इन फिगर, तो फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोन थ्रू द फ्रेम। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है, क्यू क्यू को हम लिख सकते हैं आई डी टी इंटीग्रेशन, एंड आई इज डी फाई बाई डी टी अपॉन आर, और ये डी टी है ना। हमें पता है फैराडेज लॉ से कि ई एम एफ इंड्यूस इज डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी ई है तो डिवाइडेड बाई आर करंट हो जाएगा, और ये डी टी से हमने कर दिया। तो ये डेल्टा फाई बाई आर ये हमें क्यू का वैल्यू देगा। अब फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज बी डॉट डी ए। तो यहाँ पर हमें एरिया का डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई करना होगा। ओके, तो सपोज ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे मैं एरिया का डायरेक्शन इनटू द प्लेन लेती हूँ। जब हम इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो हमारा जो एरिया वेक्टर है पहले तो नीचे अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा था, अभी जब इसको रोटेट कर देंगे तो वो बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो डॉट हो जाएगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो तो हमेशा ही इनटू द प्लेन है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव होगा। सपोज मैग्नीट्यूड अगर इसका फाई वन है और इसका मैग्नीट्यूड फाई टू है, तो फाइव वन हमें अगर डेल्टा फाइव फाइंड करना है तो हम लिखेंगे फाइनल विच इज़ फाइव टू, और ये क्योंकि नेगेटिव है, माइनस इनिशियल विच इज़ फाइव वन। तो एक्चुअली में जो हमारे फ्लक्स हो रहे होंगे वो ऐड हो रहे होंगे, और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो हम जस्ट फाइव वन प्लस फाइव टू फाइंड कर देंगे। तो लेट्स कैलकुलेट फाइव वन एंड फाइव टू। अभी ये करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर हमारा ये लूप है। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो हमको एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। हम एक्स पे जा कर के डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर करें, और यहाँ पर अगर छोटा सा फ्लक्स लिखें तो फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इंटू एरिया, एरिया इज दिस लेंथ इज ए, तो ए डी एक्स राइट। और इसको हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दिए, और x का जो लिमिट जाएगा, x हमारा वेरी कर रहा है, अगर phi 1 हम फाइंड कर रहे हैं तो जो लिमिट्स होंगी वो हमारी b से लेकर के b प्लस a होंगी। तो म्यू नॉट i कॉमन 2π कॉमन, a भी कॉमन, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो ln ऑफ b प्लस a अपॉन b। ऐसे ही phi 2 का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा, सब सेम रहेगा, जस्ट लिमिट्स चेंज होंगी। यहाँ पर हम b माइनस a से लेकर के b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π ln ऑफ b अपॉन b माइनस a। सही है, फाइनली b है और इनिशियली b माइनस a है। अब इनको हमें ऐड कर देना है, तो डेल्टा phi बाय r ये फाइंड करना है, दिस इज चार्ज फ्लो। तो phi 1 प्लस phi 2, यहाँ पे हमने म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π आर कॉमन ले लिया, ln ऑफ b प्लस a अपॉन b प्लस ln ऑफ b अपॉन b माइनस a। तो ये ऐड हो रहे हैं, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b प्लस a अपॉन b माइनस a, दैट मीन्स ऑप्शन c करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ सन सिस्टम नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स। अर्थ का मास, सन का मास और डिस्टेंस बिटवीन देम गिवन है, एंड सर्कुलर ऑर्बिट हमें अज्यूम करना है। तो यहाँ पर हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, एंड नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ यू बाई टू, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन 2R। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी जी इज 6.67 इंटू 10^-11 माइनस 11 इंटू मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10^-30 and that of earth is 6 × 10^24 divided by distance with 2 × distance between them, तो ये हो गया 10^11।
ये 3 और इसको हम कैंसिल करें तो ये 2.22 समथिंग आ जाएगा, फिर यहाँ इंटू 12, 6 2 12, तो ये 10 to the power 11, और 11 माइनस 22 +24 तो 2, एंड 30 को ऐड कर दिया तो ये 32 हो गया, 22 और ये 12 तो 2 2 2, 2 1 2 2 4, और ये 24, 4 2 अगेन 4 2, तो ये हो जाएगा 4 6 6 26, 26.64। तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर 33, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ डिस्टेंस 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा ग्राफ देखें, जी वर्सेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इट इंक्रीजेस लीनियरली, फर्स्ट इट इंक्रीजेस लीनियरली, फिर ये 1/r² के साथ डिक्रीज करेगा। तो 2/3 ऑफ द रेडियस माना हम अभी भी अंदर ही हैं, तो सेंटर से तो ज़्यादा ही यहाँ होगा और मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर ही होगी। तो इट इज़ हाईएस्ट एट अ डिस्टेंस 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टार्स पी क्यू आर टी, इट वॉज फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम पी, तो पी में वायलेट मैक्सिमम है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मैक्सिमम इन आर, तो आर में ग्रीन मैक्सिमम है, एंड रेड जो है वो क्यू में मैक्सिमम है, और इनके टेम्परेचर्स हमें ये गिवन है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, तो वीन्स लॉ से वी नो लैम्डा एम टी इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम, तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसमें हमारा उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा छोटा होगा। तो वायलेट का लैम्डा इज लीस्ट, माना टी का टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, और रेड कहाँ पे था, क्यू में रेड था, रेड का ये वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसके लिए जो हमारा टेम्परेचर होगा वो लीस्ट होगा, और बीच में बचा फिर आर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली अंटिल इट्स प्रेशर बिकम्स 8 times इनिशियल प्रेशर, तो फाइनल टेम्परेचर इज, तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज कॉन्स्टेंट, इफ यू राइट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी, तो ये हो जाएगा पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज कॉन्स्टेंट। तो गामा इज 3/2, 3/2, 1 माइनस 3/2, तो ये टी की पावर -3 हो जाएगा इज कॉन्स्टेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी 1/3 इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पर हमने प्रेशर को 8 times कर दिया, माना जो टेम्परेचर है वो 2x हो जाएगा, 8 का 1/3 इज 2, टेम्परेचर हमारा 2x हो गया, पहले था 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन, तो 300 into 2 600 केल्विन हो जाएगा, 600 minus 273 विच वुड बी 2327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 moles ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस विद एन इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस एक्सपैंड इन द प्रोसेस एंड अब्सॉर्ब 1500 जूल ऑफ हीट एंड 2500 जूल ऑफ वर्क, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। ओके, तो यहाँ पर वी नो डेल्टा यू इज क्यू माइनस डब्ल्यू, एब्जॉर्ब किया 1500 और वर्क किया 2500 का, तो डेल्टा यू इज -1000 जूल विच इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा डी। तो एन इज 5, सी वी इज 3 r/2, आर को वी कैन राइट 25/3/2 एंड डेल्टा डी वी हैव टू फाइंड, ये हो गया -1000, 3 3 कैंसिल, इसको आप लिख सकते हो 25 1 times एंड 25 40 times, फिर 5 1 and 5 80, तो डेल्टा टी हमारा आ रहा है 16 का चेंज, -16 का चेंज, इनिशियली 150 डिग्री सेल्सियस था और 16 से चेंज हो गया। अभी देखो कैल्विन में चेंज है या डिग्री सेल्सियस में चेंज है एक ही बात है, तो हम टी डैश लिख सकते हैं 150 minus 16 विच इज 4, 4 में से 1 गए 3, 134 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी फ्रॉम डायरेक्शन अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड टू द ऑपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियली एम और बी, एम इस तरफ था, बी भी इस तरफ था, फाइनली क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो यहाँ हो गया। तो
हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी था वो था एम बी माइनस एम बी, और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल वो है प्लस एम बी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ एम डॉट बी, तो ये इतना है। अब जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में वो आया 2 MB का, एंड दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो हमें यही फाइंड करना है 2 MB, तो 2 × m इज 2 एंड b इज 5 × 10⁻³, तो ये -2 हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइक्लोट्रॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, तो ओमेगा और वी में क्या इसका डिपेंडेंस आएगा। तो वी नो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, एंड वी को हम लिख सकते हैं ओमेगा आर। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि वी इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो ये से इंडिपेंडेंट है। तो व्हेन आर इंक्रीजेस तो वी आल्सो इंक्रीजेस बट ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, तो वी इंक्रीजेस ओमेगा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट 72 km/h राइट्स अनदर ट्रेन मूविंग एट 4 m/s ऑन द सेम ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, ही इंस्टेंटली अप्लाइज ब्रेक्स टू प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 1 m/s² मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन सो दैट कोलिजन नो कोलिजन अकर्स। तो यहाँ पे सपोज ट्रेन ए है, यहाँ पे ट्रेन बी है, इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस डी है। ट्रेन बी मूव कर रही थी 4 m/s से और ए 72 × 5/18 दैट वुड बी 20 m/s। तो ये ए का स्पीड था, दिस इज बी ए, दिस इज बी बी। अब हमने क्या करा, ट्रेन ए को रिटार्ड किया, तो ए का एक्सेलरेशन इज -1 m/s² और हमें कोलिजन को अवॉइड करना है। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 20 - 4 विच इज 16 m/s, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज -1 - 0 विच इज -1 m/s², एंड डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट हमें कितना चाहिए, हमें डी का ही चाहिए, उससे ज़्यादा का हुआ तो फिर कोलिजन हो जाएगा राइट। और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, यस फाइनली हमें ऐसा चाहिए, दिस वॉज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनली हमें ऐसा चाहिए कि ट्रेन ए जो है वो बी के रिलेटिव रेस्ट पर आ जाए, तो ये ज़ीरो हो जाए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम अगर देखें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, वी स्क्वायर इज 0, यू स्क्वायर इज 256 प्लस 2 × -1 × Δx, डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 128 m। तो इनिशियली एटलीस्ट 128 m का तो गैप होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप इनटू द एयर, द बॉल फॉल्स। यहाँ पर ओपन कार में ये पर्सन है और इन्होंने बॉल को थ्रो किया, तो होगा क्या, बॉल का अगर हम इसके रिलेटिव देखें तो ऊपर है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉल का वेलोसिटी आगे भी है, इनर्शिया की वजह से कार का वेलोसिटी भी लेगा और ऊपर भी है, तो बॉल का मोशन कुछ इस तरीके से होगा। और बाद में भी क्योंकि जितना कार का स्पीड एक्स डायरेक्शन में है उतना ही बॉल का स्पीड एक्स डायरेक्शन में, तो सेम टाइम में एक्स में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो फाइनली भी ये जो बॉल है ये मैन के हैंड में ही लैंड करेगी, द बॉल फॉल्स एग्जैक्टली इन द हैंड विच इट थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 masses आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 60 N, टेंशन T1 एंड T2 r, तो बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनका जो एक्सेलरेशन होगा दोनों का वो सेम होगा। अभी T2 को हम लिख सकते हैं, T2 इज ड्राइविंग फोर्स फॉर दीज 2 masses, इट इज 15 × a, एंड T1 इज ड्राइविंग फोर्स फॉर 3 kg मास, सो इट इज 3a। अभी T1 / T2 हम अगर फाइंड करें तो दिस वुड बी 1:5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, इफ constant force F acts on the body, the time in which y component of the velocity becomes zero.
तो हम y कंपोनेंट की बात करें तो uy इज 40 एंड ay इज फोर्स अपॉन मास विच इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम बताना है जिसमें फाइनल वेलोसिटी जो y में है वो जीरो हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स u प्लस at, जीरो इक्वल्स 4 माइनस 1 इंटू टी। ओके सॉरी दिस इज 40, तो 40 सेकेंड्स में ये रेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एच न्यू हमारा फोटोन है जो कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसको हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, यहाँ पे पेयर बन रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 25, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाई। तो एक्स का टी हाफ इज सेम एज मीन लाइफ ऑफ वाई, दैट मीन्स टी हाफ ऑफ एक्स इज मीन लाइफ विच इज टाउ फॉर वाई एंड टाउ इज 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज एल एन टी बाई टी हाफ। तो ये हो जाएगा टी हाफ फॉर वाई अपॉन एल एन टू। एल एन टू का वैल्यू इज लेस देन 1.693 है, दैट मीन्स टी एक्स जो है वो बड़ा है। टी हाफ फॉर एक्स इज ग्रेटर देन टी हाफ फॉर वाई। तो x को डीके होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब y का जो डीके रेट है वो फास्ट है, तो y विल डीके फास्टर देन x। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मेजर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग स्टॉप क्लॉक स्टूडेंट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स एंड नोटेड डाउन दीज वैल्यूज। द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट फॉर द पीरियड इज। तो यहाँ पर लिखा तो 10 टाइम्स है बट ये जो वैल्यूज हैं ये 9 टाइम्स ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे कुछ एरर है। तो हम 9 के हिसाब से ही अगर कैलकुलेट करें तो हमारा टी हो जाएगा टी एवरेज इन सब का समेशन। तो 5.1233, यहाँ हम ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 9 और 1 10 हो गया, यहाँ पर भी ये 9 ये 1 10 हो गया, ये 9 1 10 हो गया और ये 9 1 तो 30 आ रहा है पॉइंट, और यहाँ पे 3 कैरी हो रहा है। फिर ये 5 देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 5, 30 और ये 4 आ रहा है हमारा 1, 2, 3 तो ये 12 और ये 3 तो ये 45 आ रहा है, 45.0 और 9 टाइम्स है तो ये 5.0, तो हम बस बी ऑप्शन मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन इज। तो यहाँ इक्विलिब्रियम पोजिशन पे था और आधा डिस्टेंस ही मूव कर रहा है, ए बाई टू तक जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो हम एक्स को ए साइन ओमेगा टी लेट कर सकते हैं क्योंकि टी जीरो पर ये ओरिजिन पर है, यहाँ पे भी टी जीरो पर एक्स जीरो आ जाएगा। अब किसी भी टाइम टी पर अगर ए बाई टू पर है तो ए बाई टू इक्वल्स ए साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट मीन्स ओमेगा टी इज 5/6। तो टी का वैल्यू आ जाएगा 5/6 ओमेगा एंड ओमेगा इज 2π/T, तो 5/6 इंटू 2π/T, तो ये हो जाएगा T/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमेशा ई क्रॉस बी से हम बताएंगे, ई क्रॉस बी से। सी कैप इज ई कैप क्रॉस बी कैप, मीन्स ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, तो के मैक्स इज एच न्यू माइनस फाइव। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और हमारा मेटल कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे नो, फ्रीक्वेंसी पे यस। स्पीड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रहा है, नंबर पे भी नहीं कर, बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, स्ट्रेट थिन मेटल वायर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज इंसर्टेड सिमेट्रिकली एंड वन एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सच दैट द लोअर एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज एट सेम लेवल, टू राइज इन द कैपिलरी कितना होगा। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है सिलेंडर के अंदर पतला सा ये वायर, तो ये जो मेनिस्कस बनेगा यहाँ पे, दिस मेनिस्कस विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप, और सिलेंड्रिकल शेप के लिए जो डेल्टा पी होता है वो एस बाय आर हो जाता है, आर
ये आर यहाँ पे, हम इसको डी बोल देते हैं, ये एस बाय डी हो जाता है। अब ये हमें रिजल्ट पता होना चाहिए तो ही हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डराइव करना पड़ जाएगा। तो अगर ये रिजल्ट हमें पता है तो दिस वुड बी टू जी टू जी एच, और एच के लिए अगर हम सॉल्व करें तो एच एस एस अ फोन रो जी डी एंड डी इज दिस डिस्टेंस। तो ये पूरा है कैपिटल आर और ये छोटा सा स्मॉल आर, तो हमारा डी हो जाएगा कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई टू। ये पूरा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये डिस्टेंस आएगा डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो जाएगा टू एस रो जी आर माइनस स्मॉल आर। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो हम सिलेंड्रिकल मेनिस्कस ऐसा बना सकते हैं कि दो प्लेट्स को हमने रख दिया और ये जो मेनिस्कस बनेगा यहाँ पे, दिस वुड बी सिलेंड्रिकल इन शेप। इसमें हो क्या रहा होगा, जो सरफेस टेंशन है वो ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो सपोज ये डिस्टेंस अगर एल है और ये डिस्टेंस टू डी है, तो कितना हो रहा होगा, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो एस इंटू एल यहाँ से, एस इंटू एल यहाँ से, तो एस इंटू टू एल। और ये जो फोर्स है ये प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया से बैलेंस हो रहा होगा, तो प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। अब एरिया में हम यहाँ पे प्रोजेक्शन एरिया लेंगे, तो प्रोजेक्शन एरिया अगर मुझे मार्क करना है तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन एरिया दिस रेक्टेंगल। तो दिस इज एल एंड दिस इज टू डी, एल इंटू टू डी। ओके, यहाँ पे एल और कैंसिल हो गया, टू भी कैंसिल हो गया, डेल्टा पी इज एस बाय डी, तो एस बाय डी इज रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस। तो ये हमें याद होना चाहिए, तो ये फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटालिक ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैविंग डायमेंशंस 5 × 5 × 5 वेयर इन वाटर इट्स अपेरेंट वेट विल बी। तो अपेरेंट वेट के लिए W अपेरेंट इज एम जी माइनस एफ बी। एम जी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू जी एंड एफ बी इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड V इंटू जी। तो यहाँ पे वी जी जो है वो तो कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा हमारा रो बी माइनस रो एफ। तो वॉल्यूम इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, जी का वैल्यू हम जी लिखते हैं और रो बी माइनस रो एफ, तो रो बी इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड फ्लूइड वाटर जो है इसका है 1, तो 5 माइनस 1 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया, 25 × 400, 100 × 5, 500 ग्राम फोर्स इतना हमारा आ जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, अ वेव हैज वेलोसिटी यू इन मीडियम पी टू यू इन मीडियम क्यू, द वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू एट एन एंगल ऑफ 30 degree, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो हमें पता है वी पी बाय वी क्यू इज एन क्यू बाय एन पी, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी के इनवर्स रिलेशन में है, तो वी पी बाय वी क्यू इज 1:2, तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन पता चल गया। अभी स्नेल्स लॉ से एन पी इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन क्यू इंटू साइन आर, क्योंकि पी से क्यू में जा रही है, तो एन पी बाय एन क्यू अगर हम लिखें यहाँ से, एन पी बाय एन क्यू इज टू साइन आई विच इज साइन 30 इज इक्वल टू साइन आर। तो साइन 30 जो है ये 1/2 है, 1/2 ये कैंसिल होकर के साइन आर 1 आएगा, माना आर इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 n3 एंड n4 हैज शोन इन फिगर, द सर्फेसिस ऑफ ऑल मीडिया आर पैरल। तो हमें बताना है, नहीं गिवन है, इमर्जेंट रे DE इज पैरल टू इंसिडेंट रे AB, तो AB एंड DE आर पैरल, तो यहाँ पर एंगल जो है वो सेम बन रहा है। पैरल स्लैब्स के लिए n sin theta इज कॉन्स्टेंट, तो अगर sin theta सेम है माना इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी सेम होंगे, तो n1 equals n4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क हैज मास m, रेडियस r
how much tangential force should be applied to the rim of the disc so as to rotate the disc with angular velocity omega in time t. यहाँ पर हमारे पास ये डिस्क है जिस पे हम टेंजेंशियल फोर्स एफ लगा रहे हैं और इसका स्पीड हमें ज़ीरो से ओमेगा करना है इन टाइम टी, दैट मीन्स अल्फा इज ओमेगा बाय टी. अभी वी नो टॉर्क इज आई अल्फा, तो टॉर्क एफ आर आई, ये डिस्क है तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी एम के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा इज ओमेगा बाय टी. एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स एफ कैलकुलेट करना है, तो ये कैंसिल हो गया एम आर ओमेगा अपॉन टू टी, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल प्रोड्यूसेस, तो ये हमारा कपल होता है. कपल फोर्स में फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो इनका अगर आप एफ नेट देखो तो वो तो ज़ीरो आएगा, मैं ट्रांसलेशनल मोशन है ही नहीं, बट ये रोटेट कराएंगे, ये इस रॉड को उस तरफ रोटेट कराएंगे तो प्योर रोटेशनल मोशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर इक्वलेंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द टू केसेस, तो ये हमें सर्किट गिवन है, आपको बताना है जब वी ए ग्रेटर देन वी बी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है और वी बी ग्रेटर देन वी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है. तो व्हेन वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, माना ये जो दोनों डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगी, तो ये 50-50 पैरेलल में हो गए, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 25 ओम हो जाएगा. और जब वी बी बड़ा है वी ए से तो ये दोनों डायोड्स जो हैं वो हमारी रिवर्स बायस में होंगी, तो ये ओपन सर्किट होगा, तो आर इक्विवेलेंट इनफाइनाइट, तो ए ऑप्शन आएगा. क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ था बट अगर ये फिगर है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. बैंड गैप्स ऑफ एन इंसुलेटर कंडक्टर सेमी कंडक्टर आर रिस्पेक्टिवली, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज, तो रिलेशनशिप हमें बताना है. इसमें कंडक्टर का जो बैंड गैप होता है वो सबसे कम होता है, इंसुलेटर से भी कम होता है, सेमी कंडक्टर से भी कम होता है, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है, तो ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ हिली रीजन वाटर बॉइल्स एट 95 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन फारेनहाइट इज, तो ये हम कई बार हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है बट ये फॉर्मूला हम भूल जाते हैं. टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो हमें ये गिवन है 95 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा 9, this is 5, 5, 1, 1, 19, 19 times 9 is 81, 9, 8, and 9 is 9, 171, 171 plus 32, so this would be 203 Fahrenheit. Next question, dimensional formula for magnetic permeability, तो ये mu naught की बात कर रहे हैं, तो वी नो सी इज अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट. हम कोई और फॉर्मूला देखें तो मुश्किल होगा बट ये सबसे ईजी है, तो म्यू नॉट को आप ऐसा लिख सकते हो इट इज़ 1/c² एप्सिलॉन नॉट. अभी एप्सिलॉन नॉट के लिए देखें तो एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पर पढ़ा एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में, तो ये एप्सिलॉन नॉट का अगर हम डिमेंशन देखें तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, इसका जो डिमेंशन होगा वही 1/ε0 का होगा, तो म्यू नॉट इज सी स्क्वायर इज स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका हो जाएगा L2T-2, 1/ε0 का न्यूटन, तो mLT-2, फिर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोलम स्क्वायर, कोलम को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, तो एम्पेयर इंटू टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर कैंसिल, ये एल स्क्वायर कैंसिल, हो जाएगा एम एल ए माइनस टू टी माइनस टू, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन वाई डी एस सी, स्लिट सेपरेशन इज डी इज इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ, जो हमारा डेल्टा एल है, सॉरी हमारा जो डेल्टा एल है वो टी साइन थीटा है, तो साइन 90 जो कि इन्फिनिटी पर जाकर के होगा तब इसकी वैल्यू डी के इक्वल होगी, तो डेल्टा एल हमारा 2λ से -2λ से +2λ के बीच में होगा, माने
माने हम अगर डेल्टा एल को एन लामडा में देखें तो डेल्टा एल जीरो हो सकता है, लामडा हो सकता है और माइनस लामडा हो सकता है, 2 लामडा और -2 लामडा, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर होंगे तो उनको हमें एक्सक्लूड करना होगा। और जब भी डेल्टा एल एम लामडा होगा तब मैक्सिमा हो रहा होगा, तो ये 3 टाइम्स मैक्सिमा अचीव होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द यंग लेवलस्मिथ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद ब्लू एंड ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ लामडा 1 लामडा 2, इट टेक्स इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। देन तो फोर्थ मैक्सिमा का जो डिस्टेंस है वो है 4 लामडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इट इज़ प्रपोर्शनल टू लामडा। जिसका लामडा बड़ा है उसके लिए ही ये डिस्टेंस भी बड़ा हो जाएगा। तो लामडा इज़ लार्जर फॉर ग्रीन लाइट, तो ग्रीन के लिए ये हो जाएगा। ये रेशियो तो सही नहीं है, इसका इन्वर्स होता तो वो ट्रू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन फिफ्थ ओवरटोन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स 2.4 मीटर्स अपार्ट, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज। तो फिफ्थ ओवरटोन की बात कर रही है, मतलब फंडामेंटल के बाद फिफ्थ नंबर पर जो है, तो यहाँ पे 6 लूप्स होंगे, 1 2 3 4 5, 6 लूप्स बन रहे होंगे, ऐसा कुछ ये होगा। हमें क्या बताना है, हमें नोड और एंटी नोड के बीच का गैप बताना है। तो हमें बताना है यहाँ पे दिस इज लामडा, लामडा बाय 2, लामडा बाय 4 की वैल्यू। अब आप देखो लामडा 2 लामडा 3 लामडा, 3 लामडा इज 2.4, तो लामडा हो जाएगा 2.4 बाई 3 विच इज 0.8, और उसका भी 1/4 हमें देखना है, तो 0.2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ लामडा एंड सेम फ्रीक्वेंसी विद इंटेंसिटी 9I0 एंड 4I0 सुपर इम्पोज रिजल्टिंग इंटेंसिटीज। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। यहाँ पे phi का वैल्यू, phi इज k डेल्टा x, k इज 2π/λ इंटू डेल्टा x इज λ/4, तो इट इज़ π/2, तो cos phi 0 हो जाएगा। सिंपली हमारा जो इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 हो जाएगा, दैट इज 13I0। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजिशन R1 to R2 अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F वर्क डन है। यहाँ पे फोर्स कॉन्स्टेंट है तो वर्क को हम सिंपली लिख सकते हैं F डॉट डेल्टा R। तो F 4i कैप, डेल्टा R 3 माइनस 2, इट इज 1, प्लस J कैप 1 है, और यहाँ पे -4 -3 हो जाएगा, -4 -3 -1, प्लस 6, और यहाँ पे 5 -4, तो इट इज़ 9, 54 -1, 53 + 4, 57। लास्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो पावर इज एफ डॉट वी। अभी एफ कॉन्स्टेंट है बट वी जो है वो हमारा लीनियरली इंक्रीज करेगा। वी को आप लिख सकते हो ए इंटू टी, तो जो हमारा पावर है वो भी लीनियरली इंक्रीज करेगा। थैंक यू।